हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम है टेक ऑफिस पर। मैं हूँ हर बार की तरह मनोज और आप सभी के लिए लेके आया हूँ एमआई रूम का लेटेस्ट अपडेटेड पोर्ट वर्जन का रिव्यू, जो कि हमारे रेडमी के नोट फोर डिवाइस के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे इसके कंप्लीट चेंज लॉग, चेंज बग सब कुछ बताने वाला हूँ। जहाँ पे मैंने 3 kernel को ट्राई किया है तो उसकी भी परफॉर्मेंस क्या होती है, किस तरीके से और आपको कौन सा यूज करना चाहिए गेमिंग या बैटरी के लिए, फर्स्ट वीडियो को एंड तक वॉच करते रहें। जहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्ड नंबर जो एमआई रूम का देखने को मिलता है जो कि 20.5.29 है, जहाँ पे 4G में वर्जन यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे ऑल स्पेक्स की बात करें तो आपको जब काफ़ी ओल्ड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलता है जो कि 2021 का है, क्योंकि ये जिस डिवाइस से पोर्ट किया गया है उसका अभी तक सिक्योरिटी पैच अपडेट ही नहीं हुआ है, तो इसका कहाँ से अपडेट होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको ऑल एस्पेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं हार्डवेयर से रिगार्डिंग वगैरह। वहीं पर आपको ऑलवेज ऑन का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर अभी मैंने आपको स्टार्टअप पे कई सारे क्लॉक दिखाए थे जो कि मैं अक्सर यूज करता हूँ, जो कि मेरे फेवरेट क्लॉक है। तो इनका शेयरिंग लिंक मुझे नहीं मिल रहा है, अगर मिलता तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर देता। तो यहाँ पे मैंने जो मैनुअली जो सर्च करके इसके थीम के स्टोर से डाउनलोड किया है, तो आप देख सकते हो सारे थीम का जो नेम है वो चाइना में है। तो मुझे ये सारे थीम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, तो आप चाहते हो तो आपको मैनुअली फाइंड आउट करना होगा अपने थीम के स्टोर पे, जहाँ से आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्लॉक्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये 1000+ है तो आपको बेहतरीन क्लॉक का सपोर्ट यहाँ पे तो देखने को मिलेगा। बस आपको डिवाइस को लॉक करना है और ऑलवेज ऑन स्क्रीन आपके आंखों के सामने आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ही स्टेबल है और प्रॉपर तरीके से काम भी करता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मुझे सबसे अच्छी चीज लगी इस रोम के ओर से। वहीं पे बैक की ओर चलते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है स्लीप टाइम वगैरह और बाकी अदर चीजें। वॉलपेपर कैरासोल परफेक्टली काम करता है। क्लॉक का फॉर्मेट में जो ऑनर इन्फो है, यहाँ पे टेस्ट का लिमिटेशन अभी तक अनलिमिटेड नहीं किया गया है, जबकि जो ईयू का लेटेस्ट अपडेट आया था वहाँ पे जो टेस्ट को अनलिमिटेड कर दिया गया था, तो अभी भी यहाँ पे लिमिटेड है, जो कि होना चाहिए था बट अभी नहीं है। वहीं पे डिस्प्ले की ओर वही सारे चेंजमेंट देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे कोई भी नया एडवांस चीज ऐड नहीं किया गया है। लेकिन अगर नए चीज़ की बात करें चेंजिंग की, तो आपको देखने को मिलता है होम स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आपको पहले एमआई रूम की ओर से सुपर लाइव वॉलपेपर का सेशन देखने को मिल रहा था, उसे रिमूव कर दिया गया और बाय डिफॉल्ट इन कर दिया गया है। तो उसे एक्टिव करने के लिए बस आपको इस तरीके से पिन आउट करना है, वॉलपेपर पे जाना है, सुपर वॉलपेपर सेलेक्ट करना है, जहाँ पे आपको 2 wallpaper देखने को मिलेंगे जो कि मार्स का और अर्थ का है। तो जो भी आपको यूज करना है बस उसके ऊपर टैप कर देना है, थोड़ा सा वेट करना है और अप्लाई पे टैप करके होम पे आ जाना है और कुछ सेकंड का वेट करना है। उसके बाद आपका जो लाइव वॉलपेपर है वो अप्लाई हो जाएगा और आप इजीली जो यूज भी कर पाओगे। तो इस तरीके से आप लाइव वॉलपेपर को यूज कर पाओगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका कैमरा प्रॉपर काम करता है, लेकिन हर पोर्ट रोम के अंदर पोर्ट्रेट का बग मिलता है, तो यहाँ पे भी आपका पोर्ट्रेट काम नहीं करेगा, तो ये इश्यूज आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे आए करो बढ़ते सेटिंग की ओर और आते हैं हम इसके होम स्क्रीन के ऊपर, तो वही सेम कॉमन ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे और साथ साथ गूगल फीड का भी ऑप्शन मिलता है। अगर हम जनरल के सेटिंग्स में जाते हैं, उसके बाद क्लासिक के ऊपर आते हैं, तो आपको यहाँ पे न्यू UI देखने को मिल जाता है, जो कि पहले नॉर्मल UI था बट अब यहाँ पे UI के अंदर काफ़ी अच्छा खासा चेंजमेंट कर दिया गया है, जो कि इस अपडेट के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो आपको अगर ऐप ड्रॉअर पसंद आता है तो आप उसका यूज कर सकते हो या फिर आप क्लासिक वर्जन भी यूज कर सकते हो। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे ऐप ड्रॉअर उतना कुछ खास पसंद नहीं आता है, वो सिर्फ से मुझे पोको लॉन्चर का ही पसंद आता है। तो अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना चॉइस होता है। अगर आप अभी तक वीडियो वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन फ्यूचर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो दूं आपको जो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे जो वॉच करके बेनिफिट ले पाए। बैक यूर आते हैं तो फेस अनलॉक का बग आपको देखने को मिल जाता है इस रोम के अंदर। तो आपको फेस अनलॉक के लिए जो मॉड्यूल जो मैंने आपको पैच दिया है उसका यूज करना होगा, तभी आप जो अपने फेस अनलॉक को यूज कर पाओगे। तो पैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडिशनल के सेटिंग्स में आपको मिलता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले व्यू, इसके लिए भी एक पैच प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये काम नहीं करता है, तो बस उसको भी आपको TWRP से फ्लैश कर देना है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आप यूज करते हो तो। वहीं पे जो आपको लैंग्वेज सपोर्ट वगैरह सब कुछ अच्छे खासा मिल जाता है। टाइम एंड डेट में आपको ड्यूल क्लॉक को ऑफ कर देना है, अदरवाइज अगर आप इसे इनेबल करते हो तो आपको जो क्लॉक है AOT का वो सब कुछ डिसेबल होकर नॉर्मल क्लॉक देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से। तो आपको रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इसे ऑफ कर दे, ताकि आप AOT का फुल बेनिफिट ले पाओ अपने इस रेडमी के नोट 4 डिवाइस के अंदर। तो बस इसे आपको ऑफ रखना होगा। और आपको यहाँ पे क्लियर स्पीकर का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि प्रीवियस में भी मिला था और मैंने आपको बताया भी था। वहीं पे आपको फैक्ट्री रिसेट का ऑप्शन मिलता है, ईयरफोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि प्रॉपर काम करता है, और यहाँ पे पार्सल स्क्रीन शॉट का भी फीचर्स आपको मिल जाता है।
जहाँ पे आप स्क्रीनशॉट के टाइप को चेंज कर सकते हो। 3 टाइप दिए गए हैं, राउंड का, यहाँ पे स्क्वायर का, और यहाँ पे अपने मर्जी के अनुसार फ्री वाला मोड। तो जिस तरीके से आप चाहते हो क्लिक कर सकते हो, सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, या फिर स्टार्ट ओवर भी आप जो कर सकते हो। तो इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छा खासा है जो यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसे आप अपने मर्जी के अनुसार यहाँ से चेंज भी जो कर सकते हो। म्यूजिक मैनेजमेंट का भी ऑप्शन मिलता है जो कि आपके जो हार्डवेयर रॉकर के थ्रू काम करता है। तो बहुत पुराना फीचर्स हो चुका है। वहीं पर आगे आते हैं हम अपने Antutu के स्कोर के ऊपर। तो ये जो Antutu का स्कोर दिखाई दे रहा है जो कि 95407 का है, जो कि अंडरग्राउंड कर्नल के ऊपर है। तो अगर आपको जो बैलेंस परफॉर्मेंस चाहिए, यानी आपको गेमिंग भी करना है, साथ साथ आपको जो बैटरी भी अच्छा चाहिए, तो अंडरग्राउंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आपको दोनों चाहिए तो। और यहाँ पे गेम टर्बो भी अच्छे तरीके से काम करता है, तो आप गेम टर्बो के सारे फीचर्स यूज कर सकते हो, बट इसे अपडेट नहीं किया गया है। लेकिन आपको सिर्फ से अच्छा सा परफॉर्मेंस चाहिए गेमिंग का, आपको मतलब नहीं है कि बैटरी कैसा चलता है, डाउन चलता है या फिर अच्छा चलता है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि POCAF का आप यूज कर सकते हो, जहां पे आपको काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा पबजी के अंदर। तो आप POCAF का यूज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको अच्छा सा बैटरी बैकअप चाहिए, गेमिंग आप बहुत कम करते हो, जिसका जो बाय डिफॉल्ट लीनेज कर्नल मिलता है, बस उसी का आपको यूज करना है, कर्नल के साथ कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, जिस पे आपको Antutu का स्कोर 88680 का देखने को मिल जाता है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप गेमिंग करते हो, बैटरी चाहिए या फिर दोनों चाहिए। तो मैं तीनों कर्नल सजेस्ट कर दिए, आप अपने मर्जी के अनुसार है जो यूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पहले आपको जो क्लाउड यानी वेदर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था, मिलता भी था तो ठीक से काम नहीं करता था, तो इस प्रॉब्लम को जो फिक्स कर दिया गया है। अगर हम पे QS पैनल यूज करते हो MIY 11 का, तो पहले प्रॉब्लम आता था कि डेटा हमारा जो है यूजेज का वो रिसेट हो रहा था, तो ये भी फिक्स हो गया है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, आप इजीली जो यूज कर पाओगे। बहुत सारे यूजर्स यहाँ पे डिमांड करते हैं कि हमें कॉलर आईडी चाहिए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एडवांस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है नीचे की ओर यहाँ पे कॉलर आईडी का ऑप्शन, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। कोई भी इशू मुझे देखने को नहीं मिला है। लेकिन इससे रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम आई है मुझे, वो है जियो का वीडियो कॉल। जी हाँ, अगर आप जियो से यूज करते हो कॉलिंग वीडियो कॉल का, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे ब्लूटूथ यूज कर सकते हो एज अ म्यूजिक लिसन के लिए या फिर बात करने के लिए। यहाँ पे ब्लूटूथ परफेक्ट काम करता है, बिल्कुल ही फिक्स्ड है। लेकिन जियो से वीडियो कॉल नहीं होगा, आपको व्हाट्सएप या ड्यू वगैरह है जो यूज करना पड़ेगा। वहीं पे बाय डिफॉल्ट ही आपको रूटीन मिल जाता है, लेकिन आपको जो नेट सेफ्टी है पास रहेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको दे दिया इस रोम से रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल। फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास इंटरेस्टिंग रोम्स के रिव्यू के साथ। बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब शेयर भाई हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, और हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन रोम्स और रोम्स के बग्स और डिटेल्स आप तक है जो पहुँचाते रहें। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।